8 अप्रैल को साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगा। इस सूर्य ग्रहण को काफी दुर्लभ बताया गया। सोमवार को लगा ये सूर्य ग्रहण असल में पूर्ण सूर्य ग्रहण था। उत्तरी अमेरिका ने पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा देखा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान एक काली परछाई भी देखी गई, जिसे सोशल मीडिया पर लोग ब्लैक होल बता रहे हैं। 8 अप्रैल को लगे सूर्य ग्रहण का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण पर देखी गई ये काली परछाई आखिर क्या थी। दुनिया के कई हिस्सों में 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण देखा गया। सूर्य ग्रहण के दौरान धरती के ऊपर से सूरज की काली परछाई गुजरी। असल में ये परछाई चंद्रमा की थी, लेकिन अंधेरे के मूवमेंट का नजारा बेहद हैरान करने वाला था। ये परछाई गोलाकार दिख रही थी, जो ब्लैक होल की तरह था। इसका वीडियो नासा, एलन मस्क, NOAA जैसे कई लोगों और संस्थानों ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। NOAA के गोज ईस्ट सैटेलाइट ने यह नजारा कैद किया, जिसमें एक तरफ सूर्य ग्रहण की वजह से बनने वाली गोल परछाई का मूवमेंट दिख रहा है, साथ ही धरती के एक हिस्से में अंधेरा फैल रहा। इस वीडियो को एलन मस्क ने भी अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है, जिसमें लिखा है, पृथ्वी की कक्षा से सूर्य ग्रहण। दरअसल चंद्रमा 2400 किलोमीटर पर आर की स्पीड से सूरज के सामने से निकला, इस वजह से उसकी परछाई धरती के एक हिस्से से होती हुई गुजर गई। ऐसा सूर्य ग्रहण साल 1970 में देखा गया था। इसके बाद ऐसा नजारा अब 2078 में देखा जाएगा। जिस हिस्से में गोलाकार परछाई निकली, उसे पाथ ऑफ टोटालिटी कहते हैं। पाथ ऑफ टोटालिटी यानी सूरज के सामने चंद्रमा के आने से जमीन पर जो परछाई बनेगी। ये परछाई 185 किलोमीटर चौड़ी थी। ये मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा में दिखाई पड़ी। करीब 100 मिनट तक ये पाथ बनता रहा। सूर्य ग्रहण के समय दिन में कई जगहों पर रात हो गई, अंधेरा छा गया, तापमान में भी गिरावट देखी गई। पाथ ऑफ टोटालिटी में 4 करोड़ लोग रहते हैं। इन सभी ने ये नजारा देखा। ऐसे सूर्य ग्रहण फैमिली के साथ आते हैं, जिन्हें सैरोस कहते हैं। चंद्रमा धरती के 223 चक्कर लगाता है। जब ये 669वां चक्कर होता है, तब इस तरह का सूर्य ग्रहण होता है। नासा ने बताया कि सैरोस की इस घटना को 18 साल 11 दिन और 8 घंटे कह सकते हैं। इसमें जो 8 घंटे का समय है, इसी में सूर्य ग्रहण हुआ। ये सैरोस 139 का हिस्सा है। सैरोस के यही 8 घंटे इस बात की पुष्टि करते हैं कि हर 54 साल 33 दिन बाद इसी तरह का सूर्य ग्रहण होता है। इसे एक्सेलिग्मोस कहते हैं। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्व रखता है। साल का ये पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल की रात 9:12 से लेकर 9 अप्रैल की देर रात 2:22 तक रहा। सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 10 मिनट की थी। 8 अप्रैल को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया। ये सूर्य ग्रहण पश्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिका, आर्टिक, मेक्सिको, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भागों में, इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र और आयरलैंड में ही दृश्यमान हुआ। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।